फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल टुडे आई विल टीच यू चैप्टर वन ऑफ स्नैपशॉट व्हिच इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स फाइन इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू हाफ ऑफ द चैप्टर टुडे वी शैल बिगिन फ्रॉम पेज नंबर 6 ठीक है पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए हम डिस्कस कर रहे थे दैट एरम वॉज आस्किंग हाउ लॉन्ग अगो डिड यू Begin writing every morning means Adam asked Murad how long did he start riding the horse every morning. Murad replied not until this morning he yani is morning se pehle nahi. Are you telling the truth? I said Adam ne pucha kya sahi bol rahe ho. Of course not yani bilkul nahi bol raha main sahi. He said of course not. हाँ बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं तो सच. He said but if we are found out का मतलब है यहाँ पर caught होना ठीक है अगर हमें क्या हो जाता है पकड़े जाते हैं तो आपको भी वही कहना जो मैंने कहा है ठीक है दैट इज व्हाट यू आर टू से आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों क्या बने झूठा बने ठीक है एंड आई ए आर आई एस मीन वन हु टेल्स लाइक ठीक है All you know is that we started riding this morning. आपको सिर्फ इतना पता है कि हमने इसी मॉर्निंग जो है राइडिंग शुरू करी है All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. यानी मुराद took the horse to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatorgia. यानी मुराद जो हॉर्स को ले गए कैसे बारन में ठीक है जो किस क्या था डेजर्टेड वाइनयार्ड था जो एक टाइम पर कभी जो है एक फार्मर था जिसका नाम था Fatorgian. उसके राह करते थे ठीक है और उनको अपने बारन पर क्या हुआ करता था पैड हुआ करता था ठीक है बारन का मतलब है अ प्लेस वेयर ग्रेन इज कैप्ट यानी वो प्लेस होता है यहां पर क्या किया था ग्रेन इज कैप्ट जहां पर अनाज को रखा जाता है ठीक है हम खलियान कह सकते हैं हिंदी में क्या कह सकते हैं खलियान कह सकते हैं There were some oats and dry alfalfa in the barn. उस बार में क्या थे कुछ oats थे और कुछ dry alfalfa थे ठीक है और क्या थे dry alfalfa थे ठीक है ये alfalfa ठीक है We begin walking home. और हम कहाँ चलने लगे घर जाने लगे ठीक है It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. अब आपसे ये पूछा जाए कि where did Murad hide the horse? तो कहाँ पर hide करता था He used to hide the horse in the barn of deserted vineyard. In the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatorgian. ठीक है तो ये आपको याद रखना अब मुराद क्या कहते देखिए इट वॉजेंट इजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली यानी कि किसी भी हॉर्स से ना अच्छे से बिहेव करवाना कोई आसान काम नहीं है एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड पहले तो ये जंगली पन से भागना चाहता था बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स मैंने बताया कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ठीक है आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू मैं इससे वही करवा सकता हूँ जो मैं चाहूँ हॉर्स अंडरस्टैंड मी ठीक है यानी हर बात के लिए मुराद क्या कहता है आई हैव अ वे विद दिस आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस हाउ डू यू डू इट आई सेड आप ये सब कैसे करते हैं आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स कास्ट मुझे भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती जैसी अंडरस्टैंडिंग आपको है तो मैं भी जो अच्छे से राइडिंग कर लूंगा यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय आप अभी छोटे हो ठीक है ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट जैसे ही आप 13 के हो जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे होगा आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट यानी उस दिन क्या हुआ था नरेटर अपने घर गया ध्यान रखना उन्होंने राइडिंग की राइडिंग करने के बाद में हॉर्स को क्या कर दिया छुपा दिया छुपाने के बाद में घर जाए घर पहुंचे और जैसे ही घर पहुंचे तो उसने क्या किया भरपेट ब्रेकफास्ट किया ठीक है एच ई ए आर टी वाई हर्टी का मतलब था एम्पल
ठीक है, बहुत सारा ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खसरो, मैंने पहले ही बता चुका अंकल खसरो के बारे में। दैट आफ्टरनून माई अंकल खसरो केम टू आर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स, क्या के लिए आए थे, कॉफी और सिगरेट पीने के लिए मेरे घर पर आए हुए थे। अंकल खसरो केम एट द हाउस ऑफ नरेटर एरम, किसके घर पर आए थे, एरम के घर पर आए थे, ठीक है। ही सैट इन द पार्लर, यानी वो ड्राइंग रूम में बैठ गए, सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय की चुस्की ले रहे और स्मोक कर रहे, किसका, सिगरेट का। सिगरेट की स्पेलिंग देख लीजिए, CIGARE DOUBLE TE, ठीक है, प्लूरल बना दे लगा देना, ठीक है। एंड रिमेन एंड रिमेम्बर इन द ओल्ड कंट्री, और वो क्या करने लगे, ओल्ड कंट्री को रिमेम्बर करने लगे, ठीक है। देन अनदर वेटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, तभी एक और वेटर आया जिसका नाम क्या था, फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, इनके बारे में बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जिसके हॉर्स को मुराद चुरा करके लाया है, ठीक है। एन एसेरियन, ध्यान दीजिए, इनकी जो ट्राइब है एरम की, मुराद की और अंकल खसरो की, ये क्या है, आर्मेनियन है, गैरोक्लेनियन ट्राइब है, ठीक है। जबकि जॉन बायरो क्या है, एसेरियन है, क्या है, एसेरियन है, ठीक है। ठीक है, ये एसेरियन है। Who out of loneliness had learned to speak Armenian, जिसने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या सीख ली थी, आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली, ताकि वो इनसे बात कर सके, ठीक है, इनके साथ रह सके अच्छे से। My mother brought the lonely waiter coffee and tobacco and he rolled a cigarette, मेरी माँ जो उस वेटर के लिए क्या लेके आई थी, कॉफी और सिगरेट लेकर के आई थी, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उसने सिगरेट रोल की, एंड सिप्ड एंड स्मोक, यानी स्मोक किया और कॉफी पी, एंड देन एट लास्ट साइन सैडली टेकिंग डीप ब्रेथ सैडली ही सैड, यानी दुखी होकर के उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ स्टिल गॉन, मेरा व्हाइट हॉर्स जो पिछले महीने क्या हुआ था, चोरी हुआ था, वो अभी भी मिसिंग है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ गया है। माई अंकल खसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मैंने पहले बताया था कि अंकल खसरो बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड एट एनी पॉइंट वॉट एवर द मैटर वॉज, ठीक है। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उनका तो एक ही पेट डायलॉग था, कैच फ्रेज था, तकिया कलाम था, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम अपने, हमने अपनी मातृभूमि को नहीं खोया है, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम एक हॉर्स के लिए रोते चले जा रहे हो, सैड खसरो टू जॉन बायरो, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा कि सर आप जैसे शहर के रहने वाले व्यक्ति के लिए ये घोड़ा तुच्छ चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बट वॉट अबाउट माई, वॉट ऑफ माई सरे, मेरे सरे का क्या, सरे देखिए, सरे होती है कार, क्या होती है कार, ठीक है, यानी गाड़ी जिसे किससे खींचा जाता है, हॉर्स से खींचा जाता है, ठीक है। विदाउट अ हॉर्स, यानी बिना हॉर्स के मेरे सरे का क्या मतलब है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरो रोड, अंकल खसरो चिल्लाए इस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर जॉन बायरो, सर मैं 10 miles चल के आया हूँ यहाँ पर, यू हैव लेग्स माई अंकल खसरो शाउटेड, तो तेरे पैर नहीं है क्या, क्या दिक्कत है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सैड, अरे मेरे लेफ्ट लेग में क्या होता है, पेन होता है पैदल चलने से। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरो रोड पे चिल्लाया, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, कितनी कॉस्ट है, $60 है, ठीक है, कितनी कॉस्ट है, $60 कॉस्ट है मेरे लिए। आई स्पिट ऑन मनी, मैं क्या करता हूँ पैसे पे, थूकता हूँ, स्पिट का मतलब थूकना। माय अंकल खसरो सेड ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो खड़े हुए एंड एंग्रीली ही वेंट आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, यानी दरवाजे को बंद करते हुए आराम से। माय मदर एक्सप्लेन्ड, फिर जो है नरेटर की मदर ने उस फार्मर को बताया था, ही हैज अ जेंटल हार्ट, कि अंकल खसरो का हार्ट कैसा है, जेंटल है,
ठीक है, शी सैड इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक, यानी ये सब जितना भी बिहेव कर रहा है वो इसकी वजह से कर रहा है बिकॉज ही इज होमसिक, वो कैसा है होमसिक है, ठीक है। एंड सच अ लार्ज मैन, आपको पता है इतना बड़ा व्यक्ति। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद्स हाउस, फार्मर चला गया और मैं जो है अपने कजन मुराद के घर पर गया, ठीक है। पता है आपको क्यों गया था मुराद के घर पर? He went to inform Murad that the owner of the horse came at home today. He was sitting under a peach tree. Yani Murad kya kar raha tha? Sitting under a peach tree. Peach tree ke niche baitha hua tha. Kaun baitha hua tha peach tree ke niche? Murad baitha hua tha. Theek hai? Suppose ye Murad baitha hua tha. Theek hai? पीच ट्री का मतलब होता है आड़ू का पेड़। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, यानी मुराद वॉज ट्राइंग टू हील द हर्ट विंग ऑफ अ यंग बर्ड, रॉबिन का मतलब बर्ड है, ठीक है। Which could not fly, जो उड़ नहीं पा रहा था। He was talking to the bird, और वो उससे बात नहीं कर रहा था। What is it? He said. The farmer John Byro, I said, he visited our house. Farmer John Byro हमारे घर पर आया था। He wants his horse, अपने horse को चाहता है। You have had a month, आपको एक महीना हो इसको लाए हुए। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. मैं आप चाहता हूँ कि आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप इसे तब तक वापस नहीं दोगे जब तक मैं अच्छे से राइडिंग करना नहीं सीख लेता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माय कजन मुराद सर, अरे तुमको तो सीखने में ना पूरा साल लग जाएगा, तुमको तो पूरा साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो क्या हुआ हम एक साल तक रख सकते हैं हॉर्स को, क्या दिक्कत है। माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, वो तो उछल गया एकदम से। व्हाट ही रोड, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनन फैमिली टू स्टील, क्या आप गैरोग्लेनन फैमिली के किसी मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो क्या। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर, यानी अपने ट्रू ओनर के पास जाएगा हॉर्स। व्हेन, कब जाएगा। इन सिक्स मंथ्स एट द लेटेस्ट ही सेड, यानी सिक्स मंथ में जाएगा कम से कम, ठीक है। एट द लेटेस्ट ही सेड, ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने बर्ड को जो हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, दो बार गिर भी गया था, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन उड़ गया था वो हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा उड़ गया था। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर टू वीक्स माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स, यानी क्या हुआ था कि दो हफ्ता तक कजन मुराद और नरेटर दोनों ही जो हॉर्स को ले जाते थे, ठीक है, आउट ऑफ द बार्न, उसी बार्न में से बाहर निकाल लेते थे। Of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, और riding करते थे, ठीक है। And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, या जब भी narrator का ride करने का turn आता तो क्या करता देखिए, leaped over grapevines, वो अंगूर की बेलों पर jump लगाता, छलांग लगा देता, and small tree, जो छोटे छोटे पेड़ों पर छलांग लगाता, and threw me and ran away, यानी मुझे फेंक देता और भाग जाता था, ठीक है। Nevertheless, यानी इंस्टेड ऑफ आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, यानी तथापि मैं कोशिश कर रहा था, मुझे होप थी कि मैं जो है छह महीने के अंदर उतने अच्छे से राइडिंग करना सीख लूंगा जितना अच्छे से, यानी इन टाइम यानी गिवन टाइम के अंदर, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है कि छह महीने में सीख लूं कि मैं जो है मेरे कजन मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग में परफेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक दिन क्या हुआ था कि जब वो जा रहे थे फेटवेजियन के वाइनयार्ड की तरफ, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, दे मेट विद द फार्मर जॉन बायरो, यानी उनकी मुलाकात किससे हुई, जॉन बायरो से हो गई, ठीक है। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने रास्ते पर अपने घर के लिए जा रहा था, कस्बे में जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड, चलो मुझे बात करने दो इससे। आई हैव अ वे विद द फार्मर्स, यानी हर किसी के लिए कहता है, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, के लिए
आई हैव विद द फार्मर्स, आई हैव विद द हॉर्स, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माय कजन, मुराद सेड टू द फार्मर्स, यानी मुराद विश्ड गुड मॉर्निंग टू अंकल जॉन बायरो, द फार्मर्स गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर, द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, यानी जैसे ही फार्मर ने हॉर्स को देखा तो वो उसको बड़ी गहराई से देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके हॉर्स का नाम क्या है, माई हार्ट, क्या नाम है, माई हार्ट, ठीक है, ये है हॉर्स का नाम। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, सुंदर नाम है सुंदर से हॉर्स का। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम माई फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है जिसे मेरे यहाँ से कई हफ्ता पहले चुराया गया था, यानी चोरी हो गया था। मैं आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मुराद सेड द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, यानी फार्मर जो है हॉर्स के माउथ में देखा, चेक अ टूथ फॉर टूथ ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यानी मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा हॉर्स है अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता। ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा वो इसीलिए कह रहा है दैट द गैरोग्लिनियन ट्राइब वाज नोन फॉर द हॉलमार्क ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, वो लोग तो किसी के एडवांटेज को भी नहीं लेते थे, चोरी करना तो दूर की बात रही, ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं कह सकता था बट अभी मुझे डाउट है क्योंकि तुम लोग तो चोरी करते ही नहीं हो, तुम्हारी फैमिली तो चोरी करती ही नहीं है। द फार्मर द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, आपकी फैमिली का जो ऑनेस्टी का जो फेम है उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। यट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये जो घोड़ा है ना, ये जो हॉर्स है ना, मेरे हॉर्स का ट्विन है, ठीक है, जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव इज आई इंस्टेड ऑफ इज हार्ट, अंडरलाइन कर लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव इज आई इंस्टेड ऑफ इज हार्ट मीन्स समटाइम्स द हार्ट मे बी रॉन्ग, ठीक है, कभी कभी हर्ट क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, बट आईज कैन नॉट बी रॉन्ग, आईज रॉन्ग नहीं हो सकती। मीन्स द फार्मर जॉन बायरो न्यू अबाउट द नेम एंड फेम ऑफ गैरोग्लिनियन फैमिली, ठीक है, तो उसका हार्ट जो उसे अलाउ नहीं करने दे रहा था कि तेरा हॉर्स है, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि हॉर्स मेरा है। लेट मी टेल यू अगेन, यानी फार्मर जॉन बायरो वॉज नॉन टू द गैरोग्लिनियन फैमिली, ठीक है, अच्छे से, एंड ही न्यू वेरी वेल दैट गैरोग्लिनियन फैमिली इज वेल नोन फॉर इट्स नेम एंड फेम, ठीक है, नो मेंबर ऑफ गैरोग्लिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए हार्ट डिनाइड टू बिलीव दैट इट वॉज हिज हॉर्स बट इज आईज वर सेइंग दैट इट वॉज हिज हॉर्स ओनली, तो इसीलिए कह रहा का सस्पिशियस मैन शुड बिलीव इन हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, ठीक है, अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए हर्ट के अलावा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो माय कजन मुराद सेड, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह क्या किया, द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइन यार्ड, कहाँ ले गए, जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले गए, यानी ग्रेप्स के गार्डन में ले गए, एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको बार्न में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और हमारे पीछे पीछे कौन लग गए, डॉग्स लग गए, लेकिन वो साउंड नहीं कर रहे, ठीक है। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजन मुराद, मैंने कहा देख डॉग्स हैं, आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा था कि वो क्या करेंगे, बार्किंग करेंगे, दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, वो किसी और पर करेंगे, आई हैव अ वे विद द डॉग्स, एंड डॉग्स के साथ भी क्या है मेरी, देखिए आई हैव अ वे विद द फार्मर हॉर्स एंड डॉग्स, ठीक है, इस तरीके से कहता रहता है। माय कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, ठीक है, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, यानी उसने उससे प्यार किया थोड़ा सा, हॉर्स से पैटेड इट, उसकी पीठ थपथपाई, एंड देन वी वेंट अवे, और हम फिर चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज हरी एंड शोड माय मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड,
यानी अब जो है अपनी सरे में बैठ करके, अपनी गाड़ी में बैठ करके जॉन बायरो जो है फिर से नरेटर के घर पर आया और उसने नरेटर की मदर को उस हॉर्स को दिखाया जो चोरी हो गया था। ठीक है, आई डोंट नो वॉट टू थिंक ही सैड, मुझे नहीं पता। द हॉर्स स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले की अपेक्षा कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया, बेटर टेम्पर्ड और उसका टेम्पर भी अच्छा हो गया है। ठीक है, आई थैंक गॉड, मैं भगवान को, भगवान का शुक्रिया हूँ। माई अंकल कौसरो, मैं शुक्र गुजार हूँ भगवान का। माई अंकल कौसरो हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड, अंकल कौसरो फिर से क्या हो गए, इरिटेटेड हो गए। ठीक है, एंड शाउटेड क्वाइट मैन, चुप हो जा भले आदमी, क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, आपका हॉर्स आपको मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। I hope you will enjoy the explanation of the chapter. Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe the video. Fine.